छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाए जाने के उद्देश्य से जनपद मुरादाबाद में भारत सरकार के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसके तहत सरकारी विद्यालयों में तैनात शारीरिक व्यायाम शिक्षक शिक्षिकाओं और अनुदेशकों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान व्यायाम शिक्षकों को जूडो, कराटे, ताइक्वांडो सहित आत्मरक्षा विधाओं में पारंगत किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशिक्षण अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की 11 से 14 उम्र की बालिकाओं को आत्मरक्षा सिखाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके लिए व्यायाम शिक्षक शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रदेश के 11,000 से अधिक मास्टर्स खेल अनुदेशक को ट्रेंड किया जा रहा है। अब ये अपने स्कूल में जाकर बालिकाओं को जूडो, कराटे और आत्मरक्षा की प्रैक्टिस कराएंगे। सर, यहाँ पर 6 दिवसीय एक ट्रेनिंग चल रही है जो कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा के ऊपर है। आत्मरक्षा मतलब जो बालिका है उनके आत्म मतलब स्वयं की रक्षा, आत्म मतलब स्वयं, तो बालिकाओं के स्वयं की रक्षा के लिए जो आजकल समाज में बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं बालिकाओं को लेकर, तो उसके लिए हमें ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि हम अपने स्कूल में जाकर उन्हें सिखा सकें। यहाँ पे जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा जो कि 6 दिवसीय है और ये 31/7 से लेकर के 5 तारीख तक ये हम सीख रहे हैं। इसमें तरह तरह के हमें जो है ब्लॉक करना सिखाया है और किस तरीके से हम अपने आप को जो है सेफली जो है रख सकते हैं, ऐसी इस तरीके से हमें टेक्निक्स बताई गई हैं। सर यहाँ पे ब्लॉक सिखाए गए हैं ताकि बच्चियों की और अपनी स्वयं की सेल्फ डिफेंस या रक्षा कर सकें। जो समय देखते हुए बच्चों के लिए, बच्ची बालक हो या बालिका हो, दोनों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आज की सिचुएशन ऐसी हो रही है ना कि मुझे अगर सेल्फ डिफेंस नहीं आता है तो मैं आजकल बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मैं जहाँ निकलती हूँ मार्केट में निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इन सब चीज़ों में मुझे सेल्फ डिफेंस का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सेल्फ डिफेंस सीखूंगी नहीं, सिखाऊंगी नहीं, तो मैं आगे आत्मरक्षा नहीं कर सकती। बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे प्राइमरी और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उसमें जितनी भी 11 से 14 वर्ष की बालिकाएं नामांकित हैं उनकी आत्मरक्षा के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें लगभग 11,000 से अधिक जो हमारे मास्टर्स लोग हैं, ये खेल अनुदेशक हैं, शिक्षक हैं, इन सबको ट्रेंड किया जाएगा और इसके बाद ये सभी अपने अपने स्कूल में जाएंगे, उन बालिकाओं को जूडो, कराटे, किक्स और ब्लॉक्स इन सब की प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कभी कोई ऐसी स्थिति बने कि चीज़ें बालिकाओं के विपरीत जाएं तो वो उसमें अपनी आत्मरक्षा कर सकें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकें।